इस पंक्ति पर कुछ विचार प्रस्तुत किए गए। वैसे तो इस प्रसंग की व्याख्या कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि जैसे पर्वतों पर खान होती है और वहां पर रत्न निकलते हैं, इसी प्रकार से यह जो भक्ति मणि है वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसका क्या उपाय है, इन्हीं पंक्तियों के साथ वो पंक्तियां भी जुड़ी हुई, जिसमें कागवसुंद्र जी कहते हैं पावन पर्वत वेद पुराणा। भगवान की भक्ति रूप मणि को पाने के लिए जिस पर्वत पर पहुंचने की आवश्यकता है वो वेद और पुराण है। और जैसे पर्वतों के बीच में भी बाहर से देखें तो पत्थरों का समूह ही पर्वत में दिखाई देता है, पर उसके अंतराल में जो अनेक वस्तुएं छिपी हुई होती हैं, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, तांबे के रूप में और इससे वेद हीरे के रूप में, तो इसमें भुसुंड जी ने कहा कि वेद पुराण के पर्वत पर भगवान राम की कथा ही वो मानो हीरे की खानी है। और उस अब पर्वत तो विशाल है, वहां खोजने पर क्या मिलेगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा मनमी सज्जन, कोई ऐसा व्यक्ति हमें जीवन में मिल जाए कि जिसे ये ज्ञात हो कि हीरा कहाँ मिलेगा या रत्न कहाँ मिलेगा, और उसके बाद जानने के बाद भी उसको खोद करके निकालना होगा, और वो कुदाल जिसके द्वारा
खोजा जाएगा वह क्या है? बोले सुमति कुदारी। सुमति ही कुदाल है, वेद पुराण ही पर्वत है, और संत ही मानो उसके रत्न के रहस्य को, खान को जानने वाले हैं, और फिर उसके लिए दृष्टि चाहिए। और वो राम कथा की खान से उस भक्ति मणि को पाना चाहता है तो वो पा करके धन्य हो जाता है। तो अब इसमें तो एक एक शब्द इसके हैं कि जिसकी व्याख्या के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता है, पर कुछ सूत्र बड़े महत्व के हैं। राम कथा के द्वारा मणि प्राप्त होती है, भक्ति मणि की उपलब्धि होती है, इसका क्या तात्पर्य? और उसको अगर हम संक्षेप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि राम कथा को यदि हम सही अर्थों में कहें, सही अर्थों में सुने, तो हमारे जीवन में भक्ति का सच्चा क्या रूप है वो आ जाता है। ये मणि तो एक काव्य की कल्पना है, और उसका तात्पर्य यह है कि भक्ति की मणि के लिए राम कथा का श्रवण जो है वो परमावश्यक है। और उस श्रवण के पीछे तात्पर्य क्या है, जिसकी चर्चा कल आपके सामने की गई थी, इसमें कागभूषण जी ने कहा कि जिसके हृदय में श्री राम की भक्ति का की मणि आ गई, उसके जीवन में दुख की तो बात ही क्या, दुख के लव का लेश भी नहीं रह जाता। तो बड़ी आकर्षक पंक्ति है, भक्ति के द्वारा व्यक्ति के जीवन में दुख का अभाव हो जाएगा। पर व्यवहार में, वर्तमान में, इतिहास में यह तो नहीं दिखाई देता है कि जो भक्त हैं उनके जीवन में दुख न हो। और तब आप जब राम कथा सुने तो उसमें पहले यह आवश्यक है कि दुख और सुख की परिभाषा हम समझ लें। दुख का तात्पर्य क्या है और सुख का तात्पर्य क्या है? आप ये देखेंगे कि राम कथा के समापन के बाद वसुंड जी से कागरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए थे, और उन 7 प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, बड़ सुख कवन या बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, आप कृपा करके इसकी व्याख्या बताने का प्रयत्न करें। तो साधारण व्यक्ति के जीवन में, साधारण क्यों, बहुत अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में सुख की परिभाषा यही है कि जो हम चाहते हैं यदि वो हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाते हैं, और जो वस्तु हम नहीं चाहते या उसके जो हमारी जो प्रिय वस्तु है उसकी प्राप्ति में जो बाधा दे हम दुखी हो जाते हैं। जो हम चाहते हैं जब नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, जो हम चाहते हैं वो मिलने पर हम सुखी हो जाते हैं। तो अगर ये सुख दुख की यही परिभाषा जीवन में व्यक्ति के है तो निश्चित रूप से वो सुख और दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि की जो रचना हुई है, संसार जो बना है, वो तो दुख और सुख से मिलकर के ही बना है। ये सृष्टि का स्वरूप ही है कि इसमें दुख सुख पाप पुण्य दिन राति का इस प्रकार से जितनी एक परस्पर विरोधी शब्द हैं उससे मिलकर संसार बना।
ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी के जीवन में कभी दुख की घटनाएं ना हो? हम जो चाहते हैं हम सभी तो नहीं पा लेते हैं, और अगर हम जिस वस्तु को पाकर सुखी होते हैं का उसमें भी जिसे हमने पाया है उसके खोने का डर तो बना रहता है, और छिन जाए तो वो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो दुख और सुख के संदर्भ में कथा का उद्देश्य क्या है? श्री राम कथा के द्वारा मानो व्यक्ति को एक विचार, एक सोचने की नई पद्धति का ज्ञान होता है, और उस आधार पर जब हम दुख सुख की परिभाषा पर विचार करेंगे तो उसके सही अर्थ को हम समझ सकेंगे। श्री रामचरितमानस की यह विशेषता है कि उसमें अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ शब्दकोश में उस रूप में नहीं मिलेगा। आप जैसे शब्दकोश बने हुए हैं, किसी शब्द का अर्थ जानना हो तो आप ढूंढते हैं कि इसका क्या अर्थ है, तो उस संदर्भ में ऐसे अनेक शब्द मानस में हैं जिसको जब आप शब्दकोश में ढूंढेंगे तो अर्थ तो मिलेगा, पर वो अर्थ उस अर्थ से भिन्न होगा जिस अर्थ में गोस्वामी जी ने उस शब्द का प्रयोग किया है। और तब सबसे अच्छा उपाय यही है कि गोस्वामी जी के शब्दों का अर्थ जो है वो हम मानस में ही ढूंढने की चेष्टा करें, कि उनकी दृष्टि में दुख और सुख यदि दो शब्द हैं तो उसकी एक प्रचलित परिभाषा, और दूसरे गोस्वामी जी जो दुख और सुख की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं उसमें क्या अंतर है, और तभी हम समझ सकते हैं कि भक्त के जीवन में दुख का लवलेश नहीं रह जाता। क्यों? इसका वो आपको जो प्रश्न है का उसमें, उस प्रश्न में जो उत्तर मुसुंडी जी ने दिया वो आप सब पाठ में पढ़ते ही होंगे, और उसमें ये कहा गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं। और जब हम यह पढ़ें कि दरिद्रता से बढ़कर के सुख नहीं है तो दरिद्रता का विनाश तो संपत्ति से होता है, धन से होता है, तो ये यही कहना चाहिए था कि संपत्ति की प्राप्ति में सबसे बड़ा सुख है। भाई ये देखिए, विचार करके देखें तो दरिद्रता का एक बहुत व्यापक अर्थ, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, पर दरिद्रता माने क्या? अब इस दृष्टि से विचार करके देखें कि सुख के संदर्भ में गोस्वामी जी ने जब लंका का वर्णन किया तो लंका का वर्णन करते हुए नहीं कहा कि वहां के लोग बड़े दुखी थे या दरिद्र थे या अभावग्रस्त थे। गोस्वामी जी ने लंका में जिन 10 वस्तुओं की उन्नति का वर्णन किया है उसमें सबसे पहला शब्द जो है वो सुख है। आप प्रारंभ में ही उन पंक्तियों को पढ़ेंगे, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये लंका में निरंतर जो है जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई सब दिन प्रतिदिन बढ़ते जाइए। तो लंका में दिन रात जिन वस्तुओं की उन्नति हो रही है उसमें 10 वस्तुओं का नाम लेने के बाद उसमें भी सबसे पहले उन्होंने सुख का नाम दिया। लंका में निरंतर सुख की वृद्धि हो रही है, लंका में निरंतर आगे की ओर संपत्ति की वृद्धि हो रही, पुत्रों की संख्या बढ़ रही, सहायकों की संख्या बढ़ती जा रही, और विजय प्रताप बड़प्पन की निरंतर इसकी वृद्धि होती है। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि लंका ही सर्वश्रेष्ठ आदर्श राष्ट्र है
जहां पर उन 10 वस्तुओं का वर्णन किया गया जिसको पाकर के हम सभी ये मानते हैं कि ये तो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है, पर गहराई से अगर विचार करके देखें तो गोस्वामी जी जो परिभाषा सुख और दुख की देते हैं वो बड़ी समझने योग्य है, और वो कोई काव्य नहीं है, वो तो जीवन का सत्य है। कल गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, किसी बालक के शरीर में यदि फोड़ा हो जाए और वो उस फोड़े को अगर माँ यह प्रयत्न करे कि इस फोड़े में जो मवाद भरा हुआ है वो निकल जाए और ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएगा। प्राचीन काल में वैद्य भी शल्य चिकित्सा करते थे, और ऐसी परिस्थिति में जब माँ बालक को लेकर डॉक्टर के पास जाएगी और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा तो उसे दुख होगा कि नहीं, कष्ट होगा कि नहीं? तो स्पष्ट है कि उसको दुख, बड़ा कष्ट होता है, बालक रोने लगते हैं, अधीर हो जाते हैं, पर इतना होते हुए भी कोमल हृदय की जो माँ है वो उस दुख को देख करके भी कहीं नहीं कहेगी डॉक्टर से कि आप तो बस इसके फोड़े को रहने दीजिए, अपितु वो स्वयं भी कठोरता का नाटक करेगी और बालक का ऑपरेशन हो जाए, बालक को कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद स्वस्थ होकर के आनंद का अनुभव करेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, और यही समझने योग्य बात है, वस्तुओं की प्राप्ति के साथ उसकी प्राप्ति के बाद आपके अंतर मन में, आपके अंतर जीवन में किस विचार का उदय होता है? सुख मिला या संपत्ति मिली, तो सुख और संपत्ति को के मिलने पर उसको पाने के बाद हमारे हृदय में किस भाव का उदय हुआ? गोस्वामी जी ने इसके लिए बड़ा सुंदर वाक्य चुना, अयोध्या में भी उन्नति हो रही है और जिसमें भगवान श्री राम के द्वारा धनुर्भंग हुआ, धनुष टूटा, तो विश्वामित्र जी के आदेश से महाराज जनक ने पत्र भेजा महाराज दशरथ के पास, पर दशरथ उस पत्र को पढ़कर गदगद हो जाते हैं और उसे लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। तब वो गोस्वामी जी ने एक संकेत किया और सभी के लिए बड़े महत्व का है कि महाराज दशरथ सभी अवसरों पर, चाहे वो दुख का अवसर हो चाहे सुख का अवसर हो, गुरु वशिष्ठ के सामने उसका निवेदन अवश्य करते हैं। तो बालकांड के प्रारंभ में ही आता है वर्णन कि महाराज दशरथ बहुत दिनों तक राज्य करते रहे और अयोध्या में सर्वत्र उन्नति हो रही थी, लेकिन एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही, सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, एक मूल प्रश्न यही है। व्यक्ति यह मानता है कि भाई पुत्र होगा तो हमें सुख देगा, पुत्र होगा तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगा, और इसलिए व्यक्ति पुत्र की कामना करने में, अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में पुत्र की कामना होती है, और शास्त्रों ने भी यह कह करके एक वाक्य कहा, पुत्र शब्द का जो संस्कृत में अर्थ है वो अर्थ यही है कि उन नाम के नरक से जो मुक्त करे वो पुत्र है। इसका अभिप्राय है कि जब पुत्र के द्वारा व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है, उसका तर्पण किया जाता है, तो अनेक नरकों में से एक नरक जिसका नाम पुण्य है वहां न है, उसको नहीं जाना पड़ता। तो अब ऐसी स्थिति में महाराज दशरथ के हृदय में पुत्र पाने की कामना उत्पन्न हुई, ग्लानि हुई। अब वहां पर सूत्र ये है कि उस ग्लानी के बाद जो उनके हृदय में ग्लानी हुई, ग्लानी तो हमारे आप सबके जीवन में भी बहुधा कई बार आ जाती,
पर ज्ञानी को हम किस दिशा में ले जाते हैं इसका महत्व है। और तब वे कहा गए गुरु वशिष्ठ के चरणों में, और वहां जाकर के गोस्वामी जी ने कहा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपने सुख और दुख दोनों का वर्णन को उन्होंने गुरुदेव को सुनाया। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, दुख का ही नहीं सुख का भी, कितना राज्य है, कितनी संपत्ति है, कितने प्रकार से हमारा राज्य समृद्धि और संपत्ति और बहिरंग उन्नति से भरा हुआ है, और उसके साथ साथ ये दुख भी सुना देते हैं कि महाराज इतना सब होते हुए भी भविष्य में उसको ऐसा उत्तराधिकारी जो इस राज्य का संचालन कर सके वो नहीं है, इससे बढ़कर के दुख की बात क्या होगी। दुख सुख की बात जो उन्होंने सुनाया तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसा दुख सुख होता है। पुत्र नहीं है तो व्यक्ति को ये दुख होगा कि सब कुछ है तो पुत्र तो नहीं है। लेकिन वहां पर अंतर जो महाराज दशरथ के चरित्र में है, दशमुख और दशरथ के चरित्र में क्या अंतर है? महाराज दशरथ के जीवन में जब कोई घटना घटित होती है और रावण के जीवन में जब कोई घटना घटित होती है तो दोनों में अंतर क्या दिखाई दे? जैसे रावण के मन में एक क्षण के लिए ये संशय उत्पन्न हुआ कि जिन्होंने अकेले 14,000 खरदूषण हमारे बंधुओं को त्रिशरा का वध कर दिया, क्या वो मनुष्य हो सकते हैं? और ये लगा कि खरदूषण मौसम मलवंता तिन्हीं को मारे ही बिनु भगवंता। अब यह जब मन में जिज्ञासा, अगर ये संशय या जो क्षण भर के लिए एक सत्य का भान हुआ, इन्हीं पंक्तियों को न समझ पाने के कारण कई लोग यह मानने की भूल कर बैठते हैं कि रावण तो बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि उसने जान लिया कि ये भगवान है। ये गहराई से आप जब नहीं पढ़ते हैं तब आपको ऐसा लगता है। उसका मूल सूत्र यह है, उसको दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि यहां बिजली है, उसके प्रकाश में प्रवचन हो रहा है और आप सुन रहे हैं, और वर्षा में आप देखते हैं कि आकाश में बिजली गूंजती है, बिजली चमकती है, दोनों को हम बिजली शब्द बिजली कह करके संज्ञा देते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? इस प्रकाश में हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं और हम अपने विचार आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं। पर जब आकाश में बिजली चमकती है तो उसमें कितनी भी चमक क्यों ना, क्या उस चमक में आप पुस्तक पढ़ सकते हैं? क्या उस चमक में आपको सामने वाली वस्तुएं सही रूप में दिखाई देंगी? और इसका उत्तर है कि बिजली के प्रकाश, बिजली आकाश में जब गूंजती है तो देखने वाला घबरा जाता है। और अधिकांश लोगों का स्वभाव और स्वाभाविक है कि जब बिजली आकाश में चमकेगी तो एक गर्जना कड़कड़ाहट की ध्वनि गूंज उठती है, और उसके बाद तीसरी प्रक्रिया ये होती है कि बिजली चमकी, ध्वनि हुई, और बहुत बार ऐसा होता कि बिजली कहीं किसी व्यक्ति पर गिर गई, किसी घर पर गिर गई। तो ये जो बिजली है उसको हम क्या ये कहें कि ये सचमुच प्रकाश है? तो रावण के जीवन में जो इस प्रकार के विचारों का उदय है यह कोई दीपक का प्रकाश नहीं है, यह प्रकाश तो बिजली के समान गूंजने वाला क्षण भर के लिए आया। और इसके बाद जब उसके हृदय में यह बात आई तो फिर एक परीक्षा है, और परीक्षा क्या है कि अगर आपने दवा खाई है तो उसकी कसौटी नहीं है कि दवा कितनी मूल्यवान है,
उसकी परीक्षा ये है कि उसका अपर प्रभाव क्या पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति उसने सोच लिया है भगवान, अगर ये भगवान की ज्ञान है तो भगवान का ज्ञान होने पर उसका परिणाम आपके जीवन में किस रूप में आवेगा, और तब उत्तरकांड में आपको पढ़ने को मिलेगा कि राम कृपा बिनु सुनु खगर आई, जान न जाई राम प्रभुताई, और जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। जब भगवान के प्रभाव को, उनकी महिमा को व्यक्ति जान लेता है तो उसके हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास से भक्त का उदय होता है, ये क्रम है। तो अगर रावण ने भगवान के स्वरूप को जान लिया तो क्या उसके हृदय में विश्वास का उदय हुआ क्या, और क्या रावण के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का उदय हुआ क्या? इसका अभिप्राय है कि रावण के जीवन का यह ज्ञान आकाश में चमकने वाली क्षणिक बिजली के समान है जो व्यक्ति के हृदय में आतंक की सृष्टि करती है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जान करके विश्वास होता है, लेकिन रावण के जीवन में तो ठीक उल्टी बात हो गई। जन रंजन बस यही प्रश्न आ जाता है कि कहीं ये मनुष्य है कि वो ईश्वर है, और तब उसका सहज उपाय हुआ था कि वह तो ऐसे गुरु का शिष्य था कि जो जिनसे बढ़कर के गुरु संसार में है ही नहीं, और वो त्रिभुवन गुरु है भगवान शंकर। उन भगवान त्रिभुवन गुरु शंकर जी का शिष्य रावण, अंततो गत्वा शिष्य का कर्तव्य क्या है? आप यूं विचार करके देखें कि आपके शरीर में कोई रोग होगा तो आप कहां जाएंगे? वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, और उसके सामने जाकर के आप कहेंगे कि मुझे कष्ट है और इस कष्ट को देख करके आप दवा दीजिए। तो ऐसी स्थिति में गुरु ही वैद्य चिकित्सक है। रामायण में उत्तरकांड में कहा गया सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो रावण के लिए तो यह मार्ग खुला हुआ था कि वो कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करता कि मेरे अंतःकरण में यह जिज्ञासा उत्पन्न, भैया संशय उत्पन्न हुआ कि अयोध्या के राजकुमार ईश्वर है कि मनुष्य है। रावण धन्य हो जाता, लेकिन उसकी अपनी बुद्धिमत्ता का जो अभिमान, मैं क्यों पूछने जाऊं, क्या मन में कम बुद्धि है क्या, यह गर्व उससे रोकता है, शंकर जी के पास नहीं जाने का प्रयास करता है। और दशरथ जी के जीवन की विशेषता यह है कि चाहे दुख की घटना हो, चाहे सुख हो, या किसी प्रकार से कोई वृत्ति उत्पन्न होती है तो वे सीधे कहां जाते हैं? एक बार भूपति मन माही भय गलाने मोरे सुत नाही, तो गुरु गृह गए हो तुरंत में ही पाला, चरण लाग कर विनय निशाला, अपना दुख सुख सुना दिया। अब जैसे दवा के वैद्य के सामने जब आप अपनी समस्या रखेंगे तो वो आपको उसके लिए उचित औषधि देगा, और आप ये देखेंगे किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आदेश दिया कि श्रृंगिरिस के द्वारा तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अब ये गुरुदेव की जो पद्धति थी वो बड़े महत्व की थी। वे चाहते तो वैराग्य का उपदेश दे सकते थे, वे कह सकते थे कि क्या पुत्र का प्राप्त होना ही जीवन में सुख का कारण है, क्या पुत्र के अभाव में व्यक्ति धन्य और भक्त नहीं बन सकता। पर वे जानते हैं कि पहली कक्षा में ही अगर व्यक्ति को ऊंचे से ऊंची कक्षा की बात बता दी जाए तो बताने वाले के मन में बड़े ही संतोष हो कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का पूरा उपयोग किया है। अंत में लोमश जी के जीवन में यही तो भूल थी। भूसुंडी जी ने कहा कि मैं श्री राम की भक्ति की कथा सुनना चाहता हूं,
और उन्होंने उनको वेदांत ज्ञान दिया। ये लगा कि ये तो वेदांत और ज्ञान का अधिकारी। तो जब आप किसी पहली कक्षा के विद्यार्थी को आप वह बात सुना देंगे कि जो सबसे ऊंची है, आज की बड़ी समस्या है। पहले प्राचीन काल में व्यक्ति जो है वो शिक्षा क्रम में कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी दीक्षा लेने का अर्थ क्या हुआ कि अंत में हम यह निर्णय करें कि इन शास्त्रों में, ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें हमारे लिए क्या उपयोगी है और मुझे क्या करना चाहिए। इसी को गीता में और मानस में निधर्म और स्वधर्म की संज्ञा दी गई। प्रथम ही विप्रचरणाति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। तो गुरु वशिष्ठ के जीवन की जो धन्यता है, रावण के जीवन की यह जो विडंबना है, अभिमान उसके संशय को इतना आगे बढ़ाता है कि उसको यह लगने लगा कि राम ईश्वर क्या, ये तो एक श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं। जो व्यक्ति सोने के मृग के पीछे भाग रहा हो वो कैसा ईश्वर हो सकता है, वो तो विवेक शून्य है, सोने का मृग होता नहीं और पानी के लिए भाग रहा है। जो व्यक्ति मृग पर बाण चला रहा है वह तो एक साधारण राजकुमार ही है। और अगर कोई व्यक्ति पत्नी के वियोग में विलाप कर रहा है तो उसका अभिप्राय की वो घोर कमी। तो मानो रावण जब अपनी ही बुद्धि से उस प्रश्न का समाधान ढूंढता है तो श्री राम के ईश्वरत्व के स्थान पर उसके हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न होती है। भगवान के प्रति भगवत्ता की बुद्धि कौन कहे, साधारण मनुष्य जैसा आदर भी उसके हृदय में नहीं रहेगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि जब सबसे पहली बात तो यही है कि हम समझना यदि चाहते हैं तो समझने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। और सद्गुरु की भूमिका यह है कि जैसे कोई गुरु, कोई अध्यापक प्रथम कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ा रहा हो, द्वितीय कक्षा और अंतिम कक्षा, तो जानता है कि जिस कक्षा में विद्यार्थी है उसको वही बात बताना चाहिए। और वो बात उससे, इसलिए गुरु वशिष्ठ की विशेषता है कि उन्होंने त्याग, वैराग्य और ज्ञान की उच्च शिक्षा न दे करके यही कहा कि तुम धैर्य धारण करो, तुम केवल एक पुत्र चाहते थे, तुम्हें चार पुत्र प्राप्त होंगे, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। मानो गुरु वशिष्ठ विवेक पूर्वक राजा के जीवन में धीरे धीरे सकामता, सकामता के बाद उस सकामता का सदुपयोग और उसके पश्चात अन्य जो श्रेष्ठ वृत्तियां हैं उनका उदय कराना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जब पुत्र नहीं था तो भी वो गुरु जी के चरणों में गए, और जब जनकपुर से यह पत्र आ गया कि श्री राम के पास धनुष आ गया, धनुष के द्वारा धनुष टूट गया, जनक नंदिनी सीता ने उनके कंठ में जयमाल पहना दिया, तब भी वो सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के पास ही गए। उस समय गुरु वशिष्ठ ने पत्र पढ़ा, आनंदित हुए, पुत्र जन्म का आनंद, पुत्र के विवाह का आनंद किसके जीवन में नहीं होता। लेकिन उस समय गुरु वशिष्ठ ने उस आनंद की एक जो व्याख्या की उसमें और लंका में जो व्याख्या की गई उसमें अंतर है। लंका में भी उन्नति हो रही और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, तुम्हारे जीवन में ऐसी जो श्रेष्ठ घटना हुई वो तो बड़ी स्वाभाविक है। और तब उन्होंने यह कह करके कि वो श्री राम के पराक्रम की प्रशंसा करे, उनका तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी तस पुनीत कौशल्या देवी सुकृति तुम समान जग माही भय नहीं हयो न होने उनाही। और तब जिमि सरिता सागर मह जाही यद्यपि ताहि कामना नाही तिमि सुख संपत्ति विनहि बुलाए
धर्मशील पह जाहि सुहाए। जैसे नदियां, समुद्र ने कभी नदियों को निमंत्रण नहीं दिया, यहां आओ स्वागत है, पर बिना निमंत्रण के ही नदियां समुद्र की ओर भागी चली जा रही हैं। इसी प्रकार से तुम जैसा व्यक्ति जिसने गुरु और श्रेष्ठ जनों की सेवा किया है, वो तो उसके पास सुख और संपत्ति जो है वो बिना प्रयास के ही उसका आगमन हो जाता है। अब यहीं पर लंका में और वहां का अंतर बता दिया गया। सुख संपत्ति का संबंध गुरु वशिष्ठ जोड़ते हैं, जन दशरथ से जो व्याख्या करते हैं उसमें सूत्र दिया गया कि समुद्र में जैसे नदियां जाती, कितने महत्व की बात है। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर सचमुच आपने कोई वस्तु पाया है और पाने के पीछे केवल पाने की आकांक्षा है, पाने का प्रयत्न है, पाने के बाद आपकी ये धारणा है कि इसको पा करके हम बड़े सुखी हो जाएंगे, तो इसकी बहुत संभावना है कि उस वस्तु के मिलने पर आपको ये लगने लगे कि अरे मैं तो ये समझता था कि ये वस्तु मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो समझते बस ऐसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर लंका के लिए गोस्वामी जी ने शब्द चुना, नदी जैसे समुद्र की ओर जा रही है वैसा सुख नहीं है रावण के जीवन में। तब वो स्वामी जी कहते हैं कि सब दिन प्रतिदिन बढ़ते जाई, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बढ़ते जाई। पर उसका परिणाम क्या हुआ? बोले जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे लाभ होने पर और मानो संकेत क्या है, जब आपके जीवन में संतोष ही नहीं आया, आपके जीवन में तृप्ति का ही अनुभव नहीं हुआ, तो आपने पाने के संदर्भ में जो कल्पना की थी वो कल्पना तो आपकी केवल व्यर्थ ही सिद्ध हुई। इसीलिए आप मानस में कई व्यंगात्मक प्रसंग पाते हैं, जनक नंदनी सीता को पाने की व्यग्रता लेकर के संसार के अनगिनत राजा एकत्र है। ये जो अनगिनत राजा है, यह जो जनक नंदनी सीता है, वे मूर्तिमती लक्ष्मी भी हैं, साक्षात शांति भी हैं, भक्ति रूपा भी हैं, शक्ति रूपा भी हैं। इनके अनेक रूप हैं और इन्हीं में से किसी न किसी रूप को हम और आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। अगर हम संपत्ति पाना चाहते तो भी सीता जी, अगर हम शांति पाना चाहते हैं तो भी वही सीता जी है, और अगर आप शक्ति पाना चाहते हैं तो भी वो सीता जी है। तो पहला तो सूत्र यही है कि आप उन्हें क्या समझ करके पाना चाहते हैं। वे कौन? रावण भी सीता जी को पाना चाहता है, उसके लिए कितना प्रयत्न करता है, और यहां पर बस अंतर क्या है, रावण आया इसी सभा में इस दृष्टि से कि यहां आकर के हम सीता को प्राप्त करें, और जब उसको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस धनुष को मैं न उठा पाऊं, तो अपनी वाचालता के द्वारा वो जनक से प्रस्ताव करता है, तुम कन्या का विवाह मुझसे कर दो, मैं धनुष तोड़ दूंगा। राजा ने कहा कि मैंने कहा जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं कन्या दूंगा, तब आप उल्टी बात क्यों कह रहे हैं? रावण ने कहा उल्टी काम उल्टा कार्य तो तुम्हारा है, ज्योतिष शास्त्र तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें मालूम होता कि कन्या राशि जो है ज्योतिष शास्त्र में छठी राशि और धनुष जो है वो नवी राशि, तो ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि कन्या के बाद धनु। तुम ही ऐसे ना समझो कि कहते हो पहले धनु हो बाद में कन्या, बाक्षल चतुराई कैसे बात बना करके चाहे कल बल छल करी जाई समीपा, कभी बोलने की कला से, कभी चतुराई से, कभी छल से, कभी कपट से,
हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अब वो नारद रावण जो है वो चुपचाप ऐसा समझता है कि उचित अवसर नहीं है, चला जाता है। ये रावण के द्वारा जो सीता जी का हरण हुआ उसमें प्रत्यक्ष कारण तो ऐसा लगता है कि सूर्पणखा का अपमान हुआ, उसका दंड देने के लिए ही उसने हरण किया, पर उसके जीवन का सत्य यही है, उसके अंतर मन में यह वासना, यह कामना नारायणी कब से पनप रही थी और उसने उस वासना और कामना को दबा रखा था। और ऐसी स्थिति में जब सूर्पणखा के द्वारा पुनः सीता जी के सौंदर्य का वर्णन उसने सुना तो पाने की तीव्र तब लालसा उत्पन्न हुई, और तब कल कला से नहीं पा सका, बल से प्राप्त करने की क्षमता में उसमें संदेह था और उसने छल का आश्रय लिया। कल बल छल कर जाई समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा का मानो रावण तीनों प्रकार से ही सीता जी को पाने के लिए प्रयत्नशील है। और उस पर भी वो स्वामी जी ने संकेत यही किया कि जिस रावण की 400 कोस सोने की लंका हो और जिस रावण के यहां संसार की सारी सुंदरियां हो, इतनी उन्नति हो, वो रावण सीता जी के लिए कैसे गया? छल के, छल का आश्रय लेकर के, मारीच को लेकर के, और छल का आश्रय लेने के बाद, छल का आश्रय लेने के बाद जिस समय उस भगवान श्री राम मृग के पीछे जाते हैं और एकांत देखता है तो रावण आकर के छल पूर्वक सीता जी का हरण करता है। पर उसमें जो महान योद्धा रावण था, उस योद्धा रावण की दशा का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। क्या ये जो ऐसे गांव के कुत्ते होते हैं जो पाले हुए नहीं है और जो किसी घर में रोटी पाने के लिए घुसना चाहते हैं तो बड़े चौकन्ने होकर के चारों ओर देखते हैं कि कोई देखने वाला तो नहीं। गोस्वामी जी ने रावण की तुलना सिंह से नहीं की, कुत्ते से। संसार में तो रावण प्रसिद्ध था, पुरुष सिंह है, बड़ा बलवान है, पर इस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही, सोई दसशीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़ियाई, एक पंथ पग देत खगेसा, रही न तेज बुद्धि बल लेसा। मानो व्यंग्य था कि रावण को हम धनी माने कि दरिद्र माने, कल अगर कोई चोरी व्यापक करे तो दरिद्र था, अभाव था, तो दरिद्रता एक धन की है। इतनी बड़ी सर्वश्रेष्ठ समस्त संपत्ति का स्वामी हो, अगर किसी के पास भोजन चोरी करने के लिए न हो, इस सीमा पहनने के लिए वस्त्र न हो, रहने के लिए घर न हो, तो बेचारा दरिद्र है, ये तो कहा ही जा सकता है। पर इन सब के होते हुए भी अगर रावण सब कुछ पा करके भी जब सीता जी को पाने के लिए चौर वृत्ति का आश्रय ले, सिंह कहा जाने वाला जब कुत्ते के समान व्यवहार करे तो उसे क्या माने, दरिद्र माने कि धनी माने? और तब गोस्वामी जी ने दरिद्रता का अर्थ बताते हुए लिखा, दरिद्रता वस्तुतः अभाव है, और ये अभाव केवल बाहर शरीर का ही नहीं। और तब आपको मानस में एक पंक्ति मिलेगी, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। इसी ज्ञान दीपक के और भक्ति मणि के प्रसंग में यह बताया गया कि जब भक्ति मणि प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में मोह रूप दरिद्रता का नाश हो जाता है। और ये दरिद्रता का अर्थ यह हुआ, जहां पर भी अभाव की अनुभूति है और संसार के जितने लोभी हैं, वो चाहे जितनी ऊंची स्थिति में हो, उनका जो व्यवहार होता है, इसीलिए तो हनुमान जी से जब रावण ने पूछा तुम्हें मेरे बाप का फल बिना पूछे क्यों खा लिया, क्या तुम शास्त्र का तुमने पठन पाठन नहीं किया कि बिना पूछे
वस्तु को खा लेना चोरी है। तो हनुमान जी ने व्यंग भरी दृष्टि से रावण को देखा, क्यों खाया फल बिना पूछे? हनुमान जी ने कहा खाऊं फल प्रभु लागी भूखा, महाराज मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया। तो फल तो खा लिया फिर तुमने बाग क्यों उजाड़ दिया? पहले कभी स्वभाव थे तोरे रूख, बंदर का स्वभाव होता है तो इसलिए मैंने उखाड़ दिया। फिर तुमने राक्षसों को क्यों मारा? बोले जे में मारा ते में मारा, जिसने मुझे मारा उसे मैंने मारा। उत्तर तो विचित्र सा है, न्यायालय में अगर कोई न्यायाधीश पूछे तुमने ये क्यों किया, वो कह दे हमें तो आवश्यकता थी, और पूछ दे कि लेने के बाद तुमने घर में तोड़फोड़ क्यों कर दिया, वो कह दे मेरी आदत है, और तुमने पकड़े जाने पर मारने का, बोले वाह वो तो जब कोई मुझे पकड़ेगा तो मैं तो मारूंगा ही। हनुमान जी का उत्तर ऊपर से देखने में सीधा साधा लगता है, पर इसमें सबसे कड़ा व्यंग था रावण के ऊपर। क्या कि मुझे भूख लगने पर फल मैंने खा लिया तो मुझे तुम चोर कहते हो, और सब कुछ होते हुए सीता जी को तुमने क्यों चुराया, क्या कारण है? मैं अगर फल की फल खाऊं तो मैं चोर, और तुम इतने विश्व के स्वामी होकर के भी अगर उस वृत्त का परिचय दो तो क्या है? और तुम जब ये कह, हनुमान जी ने क्यों कहा, कवि स्वभाव थे बंदर का स्वभाव, यह भी व्यंग था कि रावण को जब यह एक क्षण की लगा कि ये भगवान है तो उसके अंतःकरण में यह भी आया कि अगर भगवान है तो भक्ति करना चाहिए, पर उसने तुरंत एक उत्तर सोच लिया कि होई भजन नहीं तामस देहा, मेरा शरीर तमोगुणी है मुझसे भजन नहीं होगा। व्यंग था, तुम अपना स्वभाव तो नहीं बदल पाए और बंदर से चाहते हो कि स्वभाव बदल ले। मानो ऐसे व्यक्ति जो देखने में तो प्रतीत हो रहे हैं समृद्ध हैं बुद्धिमान हैं सब कुछ है, पर हनुमान जी का अभिप्राय है कि तुमने उससे पूछा क्यों मारा, पर तुमने अपने से कभी कभी पूछा कि संसार में जिन अनगिनत लोगों को तुमने मारा हो क्यों मारा? आज मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया तुम्हें बड़ा लगा, बड़ा अन्याय हुआ, पर तुमने कितने लोगों के पुत्रों को मार दिया तुमने, तब तुमको लगा कि इन दूसरे के पुत्र को मार करके मैं कितना अन्याय कर रहा हूं। मानो हनुमान जी रावण के मन में प्रश्न करना चाह उत्पन्न करना चाहते हैं, यही तुम्हारी दशा है, और इस प्रकार की वृत्ति के द्वारा ही तुम अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए व्यग्र हो, तो इसका मानो अभिप्राय यह है। अब वही अंतर, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे लंकाधिपति रावण हो और चाहे स्वर्ग का स्वामी अधिपति इंद्र हो, स्वर्ग की निंदा क्यों की गई? स्वर्ग के लिए उसकी प्रशंसा है, ये किसी का कि मृत्यु होने के बाद उसके साथ जोड़ेंगे स्वर्गीय, अब वो स्वर्गीय है कि नहीं है, नारकीय है, लेकिन किसी को कोई नारकीय तो नहीं लिखेगा, पर स्वर्ग की निंदा क्यों है? स्वर्ग उस स्वल्प अंत दुखदायी क्यों कहा गया? उसका संकेत आपको मिलेगा उस कथा में जो श्रीमद् भागवत और पुराणों में प्राप्त होता है। दिलीप भगवान श्री राम के जो पूर्वजों में भी कई पीढ़ी पहले हुए, उन्होंने ये शास्त्रों में सुना कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसे इंद्र का वध प्राप्त होता है, और उन्होंने संकल्प लिया मैं 100 अश्वमेध करूंगा, और करने लगे। 99 यज्ञ पूरे हो गए, और 99 यज्ञ पूरे होने के बाद जब 100वीं बार अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया, अनेक लोगों को रात्रि को दिखाई पड़ा घोड़ा है नहीं, कहां चला गया घोड़ा? चारों ओर खोज करने पर भी घोड़ा नहीं मिला, और तब गुरु वशिष्ठ से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने योग शक्ति से देखा कि घोड़े को इंद्र ले गया है स्वर्ग में। दिलीप के पुत्र रघु थे, बड़े प्रतापी, उन्हीं के नाम से रघुवंश है, वो तो महाप्रतापी थे,
उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी ले स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को उसके इस दुष्कृत्य का दंड दूंगा और घोड़े को ले आऊंगा। यज्ञ पूरे होने की स्थिति थी, घोड़ा वापस आ सकता था, पर अचानक दिलीप के हृदय में सत्संग में जो उन्होंने सुना था, सत्संग में कथा सुनने का लाभ क्या है, ये आवश्यक नहीं कि सुनते ही वो बात आपके और हमारे जीवन में या मन में आ जाए, लेकिन अगर कोई संस्कार डाल दिया गया और डाल देने पर वो उचित अवसर पर प्रकट हो गया, बड़े महत्व की बात। अगर वो जैसे खेत में कोई बीज डाला गया और वो बीज अगर नष्ट हो गया तो इसका अर्थ है कि या तो खेत में कमी है, या बीज ही इस प्रकार का था, या बीज के अंकुरित होने के लिए जो कुछ चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अगर बीज हो और बीज होने पश्चात जल की वर्षा और मिलकर के बीज अंकुरित हो तो चिंता की बात नहीं। तो इस सत्संग में जो वस्तुतः कही जाती हैं बातें, वो व्यक्ति के जीवन में बीज डालने का प्रयास, एक संस्कार डालने का प्रयास। और जैसा खेत हो, उपजाऊ खेत भी होता है, कम उपजाऊ भी होता है और ऊसर भी होता है। तो उपजाऊ वो है कि जिसके जीवन में वो जो बीज डाला गया वो अंकुरित होता है, और वह बीज जिसको कहते हैं सत्संग की वर्षा हुई, कथा आपने सुना, संस्कार धीरे धीरे प्रकट हो गया। तो दिलीप की स्थिति यही थी, उन्होंने सुना था कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र का वध प्राप्त होता है, पर आज उनको दूसरे पक्ष की बात का ध्यान आ गया और तब उसका फल सामने आया। अंत में महाराज दिलीप ने यह कहा कि नहीं, 100 यज्ञ पूरा करने का संकल्प मेरे जीवन में नहीं है, अब नहीं पूरा करूंगा। लोग कहने लगे महाराज कैसी बात है, तो आपके पुत्र प्रतापी हैं, घोड़ा ले आ सकते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे। तब बहुत बड़े विवेक की बात दिलीप ने कही, क्या बोले, मेरे यह जब देख लिया 100 अश्वमेध करके इंद्र बनने वाले की भी चोरी करने की आदत नहीं गई, तो मैं अब चोर बनने के लिए इंद्र बनूं। अभी तो यहां पर मैं चोरों को दंड देता हूं, चोरी अपराध राजा के यहां आया, राजा का कार्य कि चोर को दंड दे, और वो इंद्र स्वयं ही चोरी करने लगे। अगर इंद्र बन करके भी चोरी करने की इच्छा है तो इंद्र बनने से क्या लाभ, यही विवेक। इसका अभिप्राय कि हमारे जीवन का अभाव जो है, हमारे जीवन की दरिद्रता जो है, वो सब कुछ पाने के बाद भी हमें यदि संतोष नहीं है और किसी भी प्रकार से छल से बल से कल से किसी तरह से हम दूसरे की वस्तु को छीनने या हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, तो मानो उसका अभिप्राय यही है कि उस व्यक्ति के जीवन में जो सुख की धारणा है वो सही नहीं। सुख की धारणा के लिए संकेत रामायण में किया गया, जब विभीषण और शरणागति के प्रसंग में आप पाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने उनाई। जब तक संतोष नहीं आ जाता, जब तक कामना है तब तक संतोष नहीं, और जब तक संतोष नहीं है तब तक मनुष्य यदि चाहे कि हम सुखी हो जाएं तो संभव नहीं। वो प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित का विचार किए बिना, न्याय अन्याय का विचार किए बिना जिन वस्तुओं को संग्रह संग्रहित करता है, वो मानो उसकी सुख की परिभाषा रावण की परिभाषा है। और इसका इतिहास का तात्पर्य यह है कि रावण जैसा ईश्वर प्राप्त करने के बाद भी, रावण को यदि मूर्तिमान मोह कहते हैं, रावण क्या है गोस्वामी जी कहते हैं, मोह है, मोह दुष्मौली। तो मोह का अर्थ यह है, ये जो वृत्ति है यही व्यक्ति के जीवन का मोह है, और यही मोह जो है वो वास्तविक दरिद्रता है। सत्संग के द्वारा दरिद्रता का नाश होता है, माने सत्संग के दरिद्रता का नाश, माने
केवल भौतिक संपत्ति की प्राप्ति ही नहीं है, अपितु उसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन में अगर हम सत्संग करते हैं तो उसके पश्चात क्या प्रभाव पड़ा, हमारे जीवन में उसके को हमने किस रूप में देखा, किस अर्थ में लिया। और यही संकेत है एक और सभा में रावण जैसा व्यक्ति जो सीता जी को पाने के लिए धनुष यज्ञ में आता है चुपचाप लौट जाता है, और अन्य जो राजा बैठे हुए हैं वे धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रयास न करने पर निराश होते हैं, निराश होने पर देवताओं को उलाहना देते हैं, पर वही तो नहीं रुक गए। जब श्री राम के द्वारा धनुष टूट गया तो क्या राजाओं ने यह मान लिया कि ये ठीक हो गया, न्याय हो गया? ना, धनुष टूटने के बाद भी का राजाओं का जो स्वर सुनाई देता है वो स्वर क्या है? राजाओं ने यही कहा, ले वो छोड़ा इसीये कह कोई, धरे बांधो इंद्रप बालक दोई, तोरे वो धनुष चाण नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई, जो विदेह कछु करई सहाई, सीता उसे जीत उसे सहित दो भाई। मानो व्यक्ति जो है ये वृत्ति जब उदित हो जाती है तब अगर किसी ने न्याय पूर्वक भी प्राप्त किया है तो योजना ये बना रहे कि हम छीन लें, और व्याख्या अपने ढंग से कर रहे हैं। किसी राजा ने ये कहा कि देखते नहीं हो सीता जी राम को तो इस राजकुमार से विवाह करने नहीं चाहती। वैसे पता गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीता जी जयमाल लिए खड़ी है और वो पहना नहीं रहे, तो यही अर्थ है कि वो पहना नहीं बिल्कुल नहीं चाहती, प्रेम के मारे नहीं पहरा रही है। उसके स्थान पर उसको लगता है कि क्यों, उसमें गोस्वामी जी ने व्यंग किया कि राजाओं को तो राम सुंदर दिखाई नहीं दे रहे, देखे वीर महारण धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, और डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। उनको श्री राम का रूप बड़ा भयावना लग रहा था, तो सीता जी के विलंब ने भी उन्होंने अर्थ ले लिया कि इसमें अन्याय क्या है, सीता चाहती नहीं तो इस राजकुमार को जीत करके हम उस अन्याय को मिटा देंगे। अन्याय को मिटाने के लिए हम लोग बड़े व्यग्र रहते हैं, पर वो अन्याय दूसरों का अन्याय हो अपना अन्याय तो मिटाने की बात आती ही नहीं। हम बुराई मिटाना चाहते हैं पर दूसरे की अन्याय दूसरे की। और उसके बाद परशुराम जी आ गए, और परशुराम जी महाराज आए और जिस समय राजाओं से जब से पूछा उन्होंने, कहो जड़ जनक धनुष कही तोड़ा, अरे मूर्ख जनक धनुष किसने तोड़ा। तब वो राजा जो अपने अपने इष्ट देवों से रुष्ट हो गए थे, हम नित्य पूजा पाठ स्तोत्र पढ़ते थे और आपने धनुष नहीं तोड़वाया और एक साधारण किशोर अवस्था के राजकुमार से तोड़वा दिया, ये कैसा आपका न्याय? पूजा पाठ से लाभ क्या है? अब आज से पूजा नहीं पाठ नहीं, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। लेकिन जब परशुराम जी ने कहा कि जिसने तोड़ा है उसका सिर काटना है, तो उन्होंने अपने इष्ट देवों को धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा किया नहीं तोड़वाया। हम लोगों की कामनाओं का अर्थ बदलता रहता है। आज किसी को अपना कहेंगे कल पराया कहेंगे, आज किसी को मित्र कहेंगे कल उसी को शत्रु कहने लगेंगे। मानो हमारी मान्यताएं हमारी धारणाएं बदलती ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति के जीवन में उस प्रकार से जैसी लंका की उन्नति हो रही है, और आजकल तो इस पर बड़ा बल दिया जाता है, कि असंतोष के बिना व्यक्ति उन्नति नहीं करता, ठीक है, पर असंतोष के बाद अगर व्यक्ति असंतोष के बाद भी उन्नति करे और उन्नति के बाद भी उसको उन्नति का बोध न हो और वो उन्नति की आकांक्षा संसार के विश्व के समस्त वस्तुओं पर अधिकार करने की दिशा में ले जाए, इसलिए रामचरितमानस में यह दिखाने की चेष्टा की गई कि दरिद्रता का अर्थ
केवल धनहीनता नहीं। अगर देखें तो राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा राम राज्य में कोई दुखी नहीं, तो उसमें तीन शब्द एक साथ लिखे गए, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। दुखी शब्द बीच में है और दरिद्र और दीन आसपास में, और इसका अभिप्राय है कि मानसिक दीनता और बुद्ध की भी दरिद्रता, रामायण में इसको भी दरिद्रता बताया गया। ज्ञान रंक नर परम अभागी, जो बेचारे ज्ञान की दृष्टि से दरिद्र है वो भी दरिद्र है, जो मन की दृष्टि से दरिद्र है वो भी दरिद्र है, और जो अभाव से ग्रस्त है वो भी दरिद्र है। इसलिए सुख की परिभाषा क्या है, सुख की परिभाषा इससे विदित होगी, दवा की श्रेष्ठता की परिभाषा दवा के लक्षण से नहीं परिणाम से होगी। वो स्वामी जी ने जो व्यंग भरा मीरा जी को संदेश दिया था, मीरा जी ने पूछा मैं क्या करूं, एक और कर्तव्य कर्म का पालन है, शास्त्र कहते हैं परिवार के लोगों की सेवा करना चाहिए, और मैं वह करने का प्रयास कर रही हूं, मेरे हृदय में श्याम सुंदर के प्रति प्रारंभ से ही बाल्यावस्था से प्रीति है, और ये हमारे स्वजन परिजन जो है हमें दुख दे रहे हैं, मैं क्या करूं, धर्म छोड़ूं कि प्रेम छोड़ूं। और तब गोस्वामी जी ने कहा नहीं धर्म छोड़ने की बात ही नहीं, अब वो नई बात उन्होंने कही, धर्म छोड़ने से प्रेम मिला ऐसा नहीं है। तब बोले जिसके द्वारा प्रेम न मिले वो धर्म ही नहीं धर्म है, कहने कहीं धर्म को समझने में भूल हो गई। इसलिए भगवान श्रीमद् महाभारत में कहा गया सत्यमेव जयते, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है हमारे देश में, वो तो आदर्श वाक्यों में से है। तो महाभारत में भी ये कहा गया क्या, यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहीं पर विजय है, तो जहां धर्म है वहीं पर विजय है, तो ऐसी स्थिति में क्या सर्वदा धर्मात्मा ही जीतते हैं, क्या बुरे लोग नहीं जीत जाते, संसार में बार बार दिखाई देता है कि लोग देखते हैं बुरे व्यक्ति जीत गए अच्छा व्यक्ति पराजित हो गया। तो ये महाभारत का कहना कि जहां धर्म है वहीं विजय होती है, क्या सही है क्या, इसलिए भगवान वेदव्यास ने फिर धर्म की व्याख्या भी कर दिया क्या, बोले क्रिया के द्वारा ही धर्म का निर्णय नहीं होता, कि कोई व्यक्ति स्नान करता है तीन बार और बड़े छुआछूत पर विश्वास करता है और बड़ा ही कुछ ऐसा दिखावा करता है तो धर्म है, कसौटी क्या। उसमें भगवान वेदव्यास ने कहा यह तो कृष्णस्ततो धर्म, यह तो धर्मस्ततो जय, जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहां पर विजय। और उसका सूत्रात्मक तात्पर्य कि अगर धर्म के द्वारा आप ईश्वर के निकट पहुंच रहे हैं तो धर्म है, और ईश्वर से दूर हो रहे हैं तो धर्म दिखाई दे रहा है पर वो धर्म वास्तविक धर्म है ही नहीं। इसलिए कसौटी यह है, दवा खाने के बाद गोस्वामी जी ने कहा, किसी ने कहा महाराज आपने कहा वैद्य दवा देंगे गुरु जी, तो हम कैसे समझे कि दवा लाभ कर रही कि नहीं, तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है तो भूख बंद हो जाती है, और भूख बंद हो जाने के बाद जब रोग अच्छा होगा तो भूख लगने लगेगी, और जब तक रोगी है तब तक आप बिना किसी सहारे के नहीं उठ सकते, और जब रोग दूर हो गया तो बिना सहारे के भी आप उठ जाएंगे, और जब रोगी हैं तब स्नान करने में डर लगता है, और जब आप ऐसा अनुभव करें कि नहीं नहाने का बड़ा मन हो रहा है, तो उनका ये लक्षण अपने जीवन में देख लीजिए, भूख बढ़ रही है कि नहीं, स्नान करने का मन हो रहा है कि नहीं, और बिना सहारे के आप चल सकते हैं कि नहीं, तो तीनों बता दिया गया क्या। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, सुंदर मति की भूख अगर बढ़ने लगे
तो समझ लीजिए कि रोग मिट गया। अब अगर बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना है, बुद्धि की भूख ही नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ नहीं, तो रोगी भी रोगी है, चाहे जितनी बढ़िया दवा उसने खाई हो। तो सुमति क्षुधा बाढ़ नित नहीं, और विषय आस दुर्बलता गई, किसी का सहारा लेके खड़े होते हैं। तो जो मन का रोगी होता है वो किसी न किसी विषय का सहारा लेकर खड़ा होता है, ये जब मिले तो हम सुखी हो, उस सहारे की जरूरत न हो कि ये मिलेगा तो ही हमको सुख मिलेगा। और फिर स्नान कौन सा, बोले विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, जब ज्ञान के निर्मल जल में स्नान करेगा तब तबरह राम भगति उर छाई, तब उसके हृदय में भक्ति का उदय माना जाएगा और ये मानेगा कि सचमुच इसने धर्म का पालन किया, सचमुच उसने सही दिशा में अपने जीवन को चलाया। इसलिए मीरा जी ने पूछा सेवा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, कर्तव्य पालन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मूल सूत्र को स्वामी जी ने एक दिया। एक सज्जन रात्रि को सोते समय आंख में अंजन लगाना नहीं भूलते थे, पूछ दिया किसी ने कितने वर्ष से लगा रहे हैं, बोले बहुत बीसियों वर्ष से लगा रहा हूं। इतने नियम से क्यों, बोले पिताजी ने आज्ञा दिया कि आंख में अंजन जरूर लगाना चाहिए। तो अंजन लगाने आप 20 वर्ष से लगा रहे हैं, आपको क्या अंतर लगा, बोले अंतर तो यह है कि पहले से कम दिखाई देने लगा। तो कहा कि अब वो आज्ञा कि अंजन लगाए जा रहे हैं और आंख की ज्योति कम होती जा रही, वो स्वामी जी ने जो मीरा जी को पद लिखा उसमें यही कहा कि अंजन कहां नैन जो फूटे, बहुत कहो कहां लगे। और इसका अभिप्राय है कि अगर हम निरंतर जीवन में इस तरह की श्रेष्ठ वृत्तियों का उदय हो, सत्संग का फल यही कि हमारे जीवन में सुमति का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, विषय की दुर्बलता की आशा कम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए किस व्यक्ति ने संसार का सबसे बड़ा सुख पा लिया। और जब ये कहा गया कि नहीं दर्द सम दुख 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 जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही, और आप इसको मिला के देखिए इस सत्य को लंकिनी ने जाना, लंकिनी जो लंका में रहती है, लंकिनी जो राक्षस रावण की सेविका के रूप में सेवा करती है, पर उसमें भी ब्रह्मा जी ने एक बीज डाल दिया था संस्कार में। जब लंकिनी ने पूछा मेरा भविष्य, तो उनका पहले तो तुम्हारे ऊपर यक्षों का राज्य होगा, देवताओं का राज्य होगा, अंत में राक्षसों का राज्य होगा, महाराज यही मेरी दशा होने वाली है। तो राक्षसों का जब हमारे ऊपर राज्य हो जाएगा तो ऐसी मेरी दुर्दशा, क्योंकि नहीं जब राक्षसों का राज्य होने के बाद कोई बंदर आवेगा और उसका मुक्का लगने के बाद तुम बगैर गिर पड़ना, तो समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों का विनाश होने वाला है। ब्रह्मा ने यह कह दिया था पर वो भूल गई थी। कभी कभी हम बातें सुन लेते हैं पर भूल जाते हैं। और सचमुच मुक्का क्या लगा, लंकिनी को बातें याद आ गईं। और उस समय उसने जो वाक्य कहा, सूत्र है, गिर पड़ी, मुख से रक्त निकला, मानव जीवन के प्रति एक दृष्टि है, मुंह से गिर पड़ी है और मुंह से रक्त निकला। रक्त का क्या अर्थ है, शरीर में रक्त न हो तो व्यक्ति का शरीर कार्य नहीं करेगा। इसी तरह से शरीर में जो रक्त होता है उसी से तरह से मन में रक्त होता है, और मन में वो रक्त ही व्यक्ति को सक्रिय मन बनाता है, और वो रक्त क्या है, राग। जब आपका किसी से राग हो जाता है, अपनत्व होता है, ममता होती है, तो स्वभाव तो आपके मन में करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती, पर वो राग की वृत्ति, जहां राग होगा वहां द्वेष अवश्य होगा। जब आप एक से राग करेंगे तो दूसरे से द्वेष के बिना
नहीं रहेंगे। और ऐसी स्थिति में महात्माओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध शब्द है कि बड़े विरक्त महात्मा। तो विरक्त का अर्थ जिसमें रक्त न हो, और रक्त माने राग का रक्त कम, राग का रक्त, रक्त जो है इसका अभिप्राय कि संसार में विषयों के प्रति हमारा राग सत्संग में जाकर कम हुआ कि बढ़ा, एक कसौटी। और दूसरी बात, लंकिनी जो थी गिरने के बाद उठ के खड़ी हो गई। कई लोग गिरने के बाद उठ नहीं पाते, और इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति विचारवान है वो गिरने के बाद भी पुनः संभाली उठी, सोलंका संभाल करके खड़ी हो गई। और उसने जब ये कहा कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नैन राम कर दूता, और सुख की व्याख्या करते हुए उसने क्या कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला के अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र के सत्संग में ही व्यक्ति के जीवन में राग का अभाव होता है, संभल करके खड़ा हो जाता है। और प्रतिकूलता में भी, अनुकूलता में ही अगर हमको भगवान की कृपा दिखाई दे तो शायद हम भगवान की कृपा को समझ नहीं पाए हैं। अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता में भी अगर कृपा दिखाई पड़े, यही लंकिनी के जीवन का एक सत्य था। और जिसके बाद उसने कहा जो सुख लव सत्संग। और इसलिए भक्ति मणि के प्राप्ति के बाद जीवन में दुख का लौलेश नहीं रह जाता है। कार्य न लीजिएगा कि कोई प्रतिकूल घटना नहीं होगी, पर सत्संग का फल ये होगा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। हमारे जीवन में जो महानतम मोह दरिद्रता है वो मिट जाएगी, और हमारे जीवन में सत्संग का सुख प्राप्त होगा। आज इन शब्दों के साथ कल इसके बाद कसंग का समापन। बोलिए सिया राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम